नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, जो आज की कहानी हमें भेजी है वो भेजी है किशन लाल जी ने, तो आगे की कहानी मैं आपको किशन लाल बनकर ही सुनाऊंगा। मेरा नाम किशन लाल मोरी है, मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में गांधी चौक में मेरी छोटी सी दुकान है। मेरे घर पर मेरी बीवी हेमा और बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती है। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वह तैयार हो चुकी थी तो वह कहने लगा कि मैंने आपको 1000 एडवांस दिया था। इस बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सर पर पाइप की रोड दे मारी। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती हैं। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या, ये मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत कैसे अंदर आ सकती है। इतना बोलकर वह फिर से सो गया। मैंने फिर से सलियों के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अभी भी वहां लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उछाल में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारी सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नज़र डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाज़ा भी खुल गया। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नज़र घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहाँ से वह आई थी। जब वह मुड़ी तो उसकी पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। यह भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर जबान से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाज़ा खुला देखा तो वह बोला कि यह तूने क्या किया, हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा, हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से, एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा। मुझे पता है कि हमारी जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है, कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वह इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ तो नहीं किया। मैंने फौरन कबूल किया कि वह कौन है। यह जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक खाली गिलास फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई और उसी ने यह ताला खोल दिया। जेलर ने कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा, वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उस दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती थी। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वह मेरी छाती पर आ बैठी है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लगा
और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सजा ख़त्म हुए सिर्फ 3 महीने बचे थे, तभी मेरी हालत को ध्यान रखते हुए मुझे बाकी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी कहानी सुनने के लिए। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।